न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल की प्रतिमा के सौंदर्यकरण कार्य का किया लोकार्पण। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है देश की पहली घूमने वाली स्वचालित प्रतिमा। सीएम योगी ने किया शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज के भवन एवं अमर शहीद बाबू बंधु सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण। कहा, देश की आजादी के लिए बंधु सिंह ने दी थी अपने प्राणों की कुर्बानी। 84वें जन्म दिवस पर याद किए गए पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह। माल्यार्पण के पश्चात पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। लिया गया उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तैयारियों की प्रमुख सचिव कृषि ने की समीक्षा। 24 फरवरी से पहले किसानों के नामों को वेबसाइट पर अपलोड करने के दिए निर्देश। सजनवा पुलिस ने 2 गौ तस्करों के साथ बरामद किए 5 गौवंशीय पशु। एसएसपी ने कहा, बिक्री के लिए बिहार के रास्ते बंगाल ले जाने के फिराक में थे गौ तस्कर। जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक के नेतृत्व में कारागार के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। लगाए पाकिस्तान विरोधी नारे। छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई रैली। आतंकी हमले के विरोध में नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के जन्मदिवस पर गरीब और असहाय मरीजों को बांटे गए कंबल। उनके पुत्र ने कहा, पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर गरीबों की मदद करने का किया जा रहा है प्रयास। पुलवामा में शहीद जवानों को रोटरी क्लब ने दिया श्रद्धांजलि। कहा, शहीदों के परिवारों के साथ है पूरा देश। कश्मीर में शहीद जवानों को मारवाड़ी सेवा समिति ने दिया श्रद्धांजलि। कहा, सुरक्षा में हुई है चूक, देश के गद्दारों के बिना नहीं हो सकती है घटना। डीवीएनपीजी परिवार ने शहीद जवानों को कैंडल मार्च निकाल कर दिया विनम्र श्रद्धांजलि। बेटियों ने कहा, बेटियां भी हैं झांसी की रानी, वक्त पड़ने पर दुर्गा और काली का रूप लेकर करेंगी दुश्मनों का सर्वनाश। अमर शहीदों की याद में झुंगिया बाजार के युवाओं ने निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। 40 के बदले 4000 और कश्मीर से धारा 370 हटाने का किया मांग। और भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने और भोजपुरी भाषा को सम्मान देने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रगतिशील भोजपुरी समाज ने दिया धरना।